अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। ये जो संविधान है ना, शरीर का संविधान और भारत का संविधान या किसी भी देश का संविधान बड़ा मेल खाता है, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री होता है ना, देखो शरीर का संविधान और देश का संविधान मैच करो आपस में। जो हमारा प्राण होता है ये प्रधानमंत्री है, कौन है? और हमारी आँख नाक कान मुंह ये सब इंद्रियां जो है ये सांसद हैं। यदि कोई सांसद इस्तीफा दे दे तो सरकार नहीं गिरती, गिरती है? नहीं गिरती। ऐसे ही अगर किसी की आँख चले जाए छोड़कर, या किसी का दांत उखड़ जाए, या किसी का कान से सुनना कम हो जाए, ये सांसद ने किसी ने इस्तीफा अगर दे भी दिया तो भी सरकार नहीं गिरती, शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री ने ही इस्तीफा दे दिया तो सरकार गिर जाती है। तो प्राण प्रधानमंत्री है, अगर प्राण ने इस्तीफा दे दिया तो आँख भले ही कितनी अच्छी हो दिखेगा नहीं, कान भले ही कितने अच्छे हों दिखेगा नहीं। लेकिन एक पद और है राष्ट्र का, जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, और राष्ट्रपति कौन है? आत्मा, ये राष्ट्रपति है। शरीर में सबसे बड़ी भूमिका आत्मा की होती है, लेकिन फिर भी आत्मा हमारे कर्म में इंटरफेयर नहीं करती, करती है? कोई शराब पी रहा है, आत्मा चाहे तो थप्पड़ मार सकती है, क्योंकि वही आत्मा परमात्मा है, लेकिन नहीं करती। अच्छा, इसका भी कारण सुन लो, क्योंकि भगवान हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। भगवान ने जब हमें जीवन दिया है तो भगवान ने हमको स्वतंत्र जीवन दिया है। भगवान कहते हैं कभी गलत काम भी करोगे तो रोकूंगा नहीं, हाँ धर्म शास्त्र में लिखा है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए भगवान ने कहा कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवान ने हमको कर्म में स्वतंत्रता प्रदान की है, प्रेम से कहे श्री आदि। तो इसलिए जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होने के बाद भी देश की भूमिका, देश के कार्य में वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता, उदासीन सा। जैसे कि हमारा शरीर जीवन जीता है और आत्मा ही सर्वोच्च है, लेकिन उसके बाद भी आत्मा हमारे किसी भी कर्म पर इंटरफेयर नहीं करती कि तू ये गलत कर रहा है, ये सच कर रहा है। और जब बहुत गंभीर विषय होता है तो फिर राष्ट्रपति को कहना पड़ता है, साहब वहाँ पर ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब हम बहुत गलत काम करते हैं, कभी ना कभी तो हमारी आत्मा ही हमसे कहती है गलत है, तो जिस मार्ग में चल रहा है ये सही नहीं है, तो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। बोलो राधे राधे।